मीटिंग है। जी जी। पाकिस्तान के रवैया का इससे भी अंदाजा लगा जा सकता है कि भारत की तरफ से उसके पठानकोट के हमले में शामिल होने के पूरे सबूत दिए जा रहे थे। जी जी। वहाँ की एजेंसियों को भारत में जांच करने की इजाजत तक दी गई, जबकि पाकिस्तान हमारे अधिकारियों को जाधव से मिलने तक नहीं दिया गया, वकील भी रखने नहीं दिया गया, और एक साल में 13 बार उन्होंने कोशिश की, उसके बावजूद भी उनको नकारा गया। कुलभूषण जाधव मामले में पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन नहीं किया। भारत ने जाधव को वकील मुहैया कराने की पेशकश की, लेकिन पाकिस्तान ने इसे इनकार कर दिया। पाकिस्तान यदि कुलभूषण को फांसी पर लटकाता है तो भारत इसे एक हत्या ही समझना चाहिए और उसी तरह रिएक्ट करने की इनमें ताकत भी होना चाहिए। दूसरी तरफ मैं आपसे माध्यम से उनको अपील करता हूं, आप हमेशा जाकर बगैर इनविटेशन से पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के बच्ची के शादी में जाते हो, क्या इसके बारे में आप बातचीत नहीं कर सकते थे? क्या डायरेक्टली मिल नहीं सकते थे? क्या टेलीफोन पे आप बात नहीं कर सकते थे? और क्या आपके एक्सटर्नल में सभी लोग मिलकर इसको बचाने की कोशिश करना चाहिए? और इनको अगर नहीं बचाएंगे, मैं ये समझूंगा इस सरकार की कमजोरी होगी और भारत की कमजोरी होगी। खड़गे जी को कहना चाहूंगा, ऐसे राजनीति नहीं करना चाहिए। जरूर गृह मंत्री जी जवाब देंगे, विदेश व्यवहार मंत्री भी जवाब देंगे, लेकिन ऐसे ओछे तरीके के राजनीति नहीं करना चाहिए। नहीं नहीं, आप भाई पार्टीजन हो करके देखिए, वो जाधव के साथ हम सब है, वो जाधव के साथ हम सब है, पूरा हाउस है जाधव के साथ। बैठिए ना, वो मना नहीं करे। निशिकांत जी, धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। आज मैं ये सोच रहा था कि कांग्रेस के मित्र जो भारतीय नागरिक के साथ जो कुछ भी घटना घटित हुई, उसके साथ पूरा देश और पूरा संसद जो है खड़ा होके उस नागरिक के साथ अपनी सहानुभूति प्रकट करेगा और पाकिस्तान पर अटैक करेगा। लेकिन कांग्रेस के मित्रों ने जिस तरह से राजनीति करने का प्रयास किया है, ये देश के लिए हल्की राजनीति करने का प्रयास किया है, ये देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। कारण ये है कि भारत सरकार की नीतियों के कारण जिस तरह से पाकिस्तान पूरे दुनिया के फोरम में अलग थलग पड़ गया है, जिस तरह से ब्रिटेन की संसद ने भारत का पक्ष लेते हुए गिलगित बाल्टिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में पाकिस्तान को कहा कि तुम गलत काम कर रहे हो, तुम गिलगित बाल्टिस्तान को एक अलग राज्य घोषित नहीं कर सकते, जिस तरह से आतंकवादी घटनाओं में परेशानी हुई है और जिस तरह पूरे दुनिया में भारत का एक इमेज बढ़ा है माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, उसमें भारत को बदनाम करने के लिए एक साजिश के तहत पाकिस्तान एक ऐसा राज्य जहां की कानून व्यवस्था नाम की चीज नहीं है, जहां न्यायपालिका नाम की चीज नहीं है, और चूंकि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश में एक ऐसी मजबूत सरकार है जो पूरी दुनिया में एक ऐसा सिचुएशन पैदा कर रहा है कि पाकिस्तान को एक टेररिस्ट राष्ट्र घोषित करने के लिए पूरी दुनिया आज इकट्ठा है, इसलिए उसने कुलभूषण जाधव को एक गलत तरीके से बिना न्यायपालिका का सहारा लिए हुए, भारत सरकार को बिना कॉन्फिडेंस में लिए हुए, हमारे आदमियों को भारत सरकार ने जो प्रयास किया कि हमने 13 बार कोशिश की कि हमारे लोग कुलभूषण जाधव के साथ मिले, आज मेरा भारत सरकार से आग्रह है कि जिस तरह से हमारे नागरिक को उसने प्रताड़ित करने का प्रयास किया, उसको फांसी की सजा दी है, वो भारत सरकार एक्शन ले, पाकिस्तान को टेररिस्ट राष्ट्र घोषित करे और पूरी पार्लियामेंट एक सोच के साथ एक रिजोल्यूशन पास करे कि पाकिस्तान हमारे नागरिक को बाइज्जत बरी करे। धन्यवाद। ओवैसी जी, देखो मैं सबकी भावना, क्योंकि हम सब कुलभूषण के साथ है, मगर गलत बात ही नहीं, हम ठीक बात करें उसके लिए हम प्रयास करें। डू दैट, एवरीबॉडी इज विद हिम। ओवैसी जी, प्लीज प्लीज मैडम, मैं अभी उत्तर देंगे, सरकार इज रेडी, ऐसा नहीं है, आप ऐसा मत सोचिए, मगर मैं इसलिए अलाउ कर रही हूँ, प्लीज खड़गे जी। मैडम आपका शुक्रिया, मैंने सिलसिले में एडजर्न मोशन भी दिया, आपका शुक्रिया कि आप मुझे बोलने का मौका दिए। गुस्सा पाकिस्तान पर। मैडम मैं आपके जरिए से हुकूमत से इस बात का मुतालबा करता हूँ, मैं आपके जरिए से हुकूमत से इस बात का मुतालबा करता हूँ कि हुकूमत को
बहुत सीरियसली इस बारे में सोचना पड़ेगा और पूरी कोशिश करना पड़ेगा कि हमारे इस हिंदुस्तानी शहरी की सबसे पहली जान बचाई जाए। ये बात बिल्कुल सही है कि 13 मरतबा हमने कोशिश की, कौंसलर सर्विस को उन्होंने नहीं दिया। पाकिस्तान की मिलिट्री अदालत एक अदालत नहीं है बल्कि एक बनाना अदालत है, जहां पर बगैर किसी एविडेंस के, बगैर किसी प्रूफ के उन्होंने फैसला दिया है। यकीनन इस शख्स को, हमारे हिंदुस्तान के शहरी को एक धोखा देकर ईरान से उसको पकड़कर लाए और सारी दुनिया के सामने इस तरह का एक नाटक कर रहे हैं। तो मैं सरकार से इस बात का मुतालबा करता हूँ कि आपके पास बहुत बड़ी ताकत है, आपके पास इन्फ्लुएंस है, आप उसका इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे? और मैं यहाँ पर सियासत नहीं कर रहा हूँ, आपको तो मालूम होना चाहिए था कि इस तरह का फैसला आने वाला है। तो इसलिए बेहद ज़रूरी है कि क्या ये सरकार पूरी कोशिश करेगी नहीं करेगी इस हमारे हिंदुस्तानी शहरी को बचाने के लिए, क्योंकि ये एक बाइज़्ज़त शहरी है और इसकी जान बचाना हम तमाम की जिम्मेदारी है। मैडम, मैं फिर से मुतालबा करता हूँ कि इसकी जान बचाई जाए, सरकार अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करे, चाहे वो इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस हो, और उसको वापस लाने की पूरी कोशिश करे। जयप्रकाश जी, अब बिल्कुल एक एक मिनट केवल साथ में हो जाओ, दैट विल बी बेटर। अध्यक्ष महोदय, आपने बोलने का अवसर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। कुलभूषण को सजाए मौत की सजा पाकिस्तान ने दिया, पाकिस्तान आतंक की फैक्ट्री चला रहा है और आतंकियों का गढ़ बन चुका है, और लगातार चेतावनी के बावजूद भी सुधरने वाला नहीं है, स्थिति बहुत ही भयानक है और पाकिस्तान का रवैया बहुत ही खतरनाक है, गलतियों पर गलतियां करते जा रहा है, भारतीय नागरिक को फांसी दिया गया है, यही सर्वजीत के साथ भी हुआ है, और पाकिस्तान आतंकी को पालता है या सर्वविदित है, फर्जी केस बना करके कुलभूषण को मौत की सजा दी गई है, झूठे जासूसी के आरोप में वकील भी नहीं, सुनवाई भी नहीं, और जो है फांसी की सजा दी गई है, यह बड़ा ही खतरनाक है। जो वहाँ का जो हाफिज है शहीद, जो सबसे बड़ा आतंकी है, उसको तो जो गुलदस्ते में रखते हैं, और जो हमारा जो है जवान है उसको मौत की सजा दी जाती है। सौगत राय जी, मैं देंगे, सौगत राय जी, बस हो गया, नो प्लीज नो भाषण, सौगत राय जी वन वन मिनट प्लीज, यस, कठोर कार्रवाई करें, नहीं बस हो गया, प्लीज मैडम, डोंट गिव मच भाषण। मैडम, आई ज्वाइन द अदर मेंबर्स इन कंडेमिंग द ऑर्डर बाय मिलिट्री कोर्ट इन पाकिस्तान, द death sentence on Kulbhushan Jadhav. Yes. Since the Pakistan government did not and were not able to prosecute him in a normal court, his trial was held secretly in a military court. So far, Pakistan has not produced any proof of his involvement in any espionage activities. In fact, it is said that he was arrested from Tehran, which has no connection to Pakistan. The Kulbhushan Jadhav was a former Navy commando who had retired and was in legitimate business in Iran. And if he would be involved in espionage activities, he would not be having an Indian passport as he was carrying. We think, we condemn this attitude of the Pakistan authorities. We are happy that the Foreign Secretary, Mr. Jaishankar, has issued a demarche to Pakistan. Yes.